आईपीएल 2022 में लगातार 3 हार के बाद अब रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ किए टीम में बड़े बदलाव, तो पेप डुप्लेसिस ने भी घोषित की खतरनाक प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 का मैच नंबर 18 एमसीए स्टेडियम पुणे में खेला जाना है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच। दोनों टीमों ने इस मुकाबले के लिए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दोनों टीमें किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है, कौन कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में कमाल करने वाले हैं और साथ ही कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि इस मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम शानदार परफॉर्मेंस करके एक बेहतरीन जीत दर्ज करे, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही है। अब तक 3 में से 3 मुकाबले हार चुकी मुंबई इंडियंस फिलहाल पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर मौजूद है और अब जरूरत है इन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की। इसके लिए यह इस मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण है आरसीबी के खिलाफ होने वाला। तो वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, तो अब तक अपने 3 में से 2 मुकाबले जीत चुकी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फिलहाल शानदार परफॉर्मेंस कर रही है और एक बार फिर उसी लय को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर इस मुकाबले में उतरने वाली है मुंबई इंडियंस के सामने। लेकिन अब तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए भी राह उतनी भी आसान नहीं रही है, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। अब तक जो भी मुकाबले जीते हैं यहाँ पर मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करके इस टीम को जिताए हैं। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस के हाल तो सबसे ख़राब हैं। तो चले दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस के उन बल्लेबाजों गेंदबाजों के बारे में जो कि आने वाले मुकाबले में कमाल कर सकते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ। तो दोस्तों, हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, तो शुरुआती 3 मुकाबलों में इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है और मुकाबले इनके हाथ से छीन लिए गए हैं। जहां तक बात करें पहले मुकाबले में, एक समय लग रहा था कि अब मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना चुकी है, वहां से मुकाबला दिल्ली कैपिटल ने जीत लिया और इनकी गेंदबाजी डेथ ओवर में एक बार फिर अच्छी नहीं हुई। तो वहीं पर इस टीम की सबसे बड़ी मुसीबत रोहित शर्मा बने हुए हैं, जो कि अब तक 3 मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। आखिरी 2 मुकाबलों में तो उन्होंने सिर्फ 13 रन ही बनाए हैं, जबकि पहले मुकाबले में सिर्फ 41 रन बनाए थे, जिसके चलते यहां पर टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल रही है। हालांकि ईशान किशन ने शुरुआती 2 मुकाबलों में रन बनाए तो तीसरे मुकाबले में वो भी फ्लॉप रहे। तो इसके अलावा पहली बार खेलते हुए डिवर्ल्ड ब्रेविस ने अच्छी पारी खेली तो एक बार फिर इनसे उम्मीद होगी। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी रन देखने को मिले हैं, यानी कि फिलहाल इन फॉर्म बल्लेबाजों की हम बात करें इस टीम के लिए तो ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, डिवाल्ड ब्रेविस और तिलक वर्मा अच्छी फॉर्म में लगे हैं, तो इन्हीं खिलाड़ियों को एक बार फिर रन बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा चलते हैं तो पारी की शुरुआत काफी शानदार होती है। ऐसे में रोहित शर्मा अगर चले तो ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ इस टीम की जीत के चांस बनेंगे, नहीं तो एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकती है मुंबई इंडियंस की टीम। वहीं पर दोस्तों, कायरन पोलार्ड जो कि इस टीम के विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, पिछले मुकाबले में उन्होंने जरूर 5 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेली थी, तो उम्मीद है कि वो अपनी इस फॉर्म को आगे आने वाले मुकाबले में भी बरकरार रखेंगे। इसके अलावा गेंदबाजी की हम बात करें तो गेंदबाजी में सबसे बड़ी मुसीबत इस टीम के लिए बनी हुई है डेथ ओवर, जहाँ पर शानदार घातक गेंदबाज होने के बावजूद भी अंतिम ओवरों में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। खास करके डेनियल सेम्स काफ़ी महंगे साबित हुए हैं इस पूरे आईपीएल में, तो यहां पर डेनियल सेम्स की जगह अगले मुकाबले में टीम में बनती हुई नहीं दिख रही है। वहीं पर इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें यहां पर टीम की तरफ से गेंदबाजी में, मुर्गन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की है तो बेसिल थम्पी ने भी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है, लेकिन जसप्रीत बुमराह और टाइमल मिल्स को जो आखिरी ओवरों में जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो अब तक देखने को नहीं मिला है। एक मुकाबले में एक गेंदबाज चलता तो दूसरे मुकाबले में एक चलता, यानी कि दोनों गेंदबाज एक साथ अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो डेथ ओवर में खराब गेंदबाजी के कारण ही अब तक मुंबई इंडियंस को अपने 3 में से 3 मुकाबले गंवाने पड़े हैं। ऐसे में अब यहां पर डेथ ओवर में इन गेंदबाजों को शानदार गेंदबाजी करके दिखानी होगी। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की, तो इनकी फॉर्म काफ़ी अच्छी है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी की है तो बल्लेबाजों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है, लेकिन अभी भी इस टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, खास करके विराट कोहली, डेविड विल्ली जैसे बल्लेबाज जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन अब तक रन नहीं बना पाए हैं। लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए अगले मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी यह है कि इस टीम की तरफ से अब
हमें खेलते हुए नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज हैं और शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। सरपन रदरफोर्ड की जगह पर वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सरपन रदरफोर्ड जो कि इनफॉर्म नहीं लगे थे, उन्हें बाहर जाना होगा, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि एक इनफॉर्म बल्लेबाज वापस इस टीम में आएंगे। वहीं पर डेविड विली का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो खासकर विराट कोहली का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा है। हालांकि अनुज रावत और फेफ डू प्लेसिस ने अब तक कोशिश की है पारी को अच्छी शुरुआत देने की, लेकिन यहाँ पर अनुज रावत भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस अब तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस टीम के लिए सबसे अच्छी खबर है शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक, जो कि काफ़ी शानदार लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुकाबलों को अच्छी तरह से फिनिश कर रहे हैं। पिछले दो मुकाबलों में ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हार जाएगी, लेकिन वहां पर अंत में इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके दोनों मुकाबले जिताए हैं। तो यहां पर एक बार फिर मुंबई इंडियंस के भी खिलाफ भी ये दोनों खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के आखिरकार कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ टीमें उतर रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे फेफ डू प्लेसिस, तो उनके साथ होंगे अनुज रावत। यहाँ पर इन दोनों को शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। अब तक दो बार टीम को बेहतरीन शुरुआत दोनों बल्लेबाज दिला चुके हैं, लेकिन अब तक अनुज रावत के बल्ले से हमें बड़ी पारी नहीं देखने को मिली है, तो उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर शानदार शुरुआत के साथ बड़ी पारी भी खेलेंगे। वहीं पर नंबर 3 पर टीम की तरफ से विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली का बल्ला भी अब तक इस आईपीएल में खामोश ही रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां पर वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। जबकि नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे शाहबाज अहमद। तो नंबर 6 पर दिखने वाले हैं दिनेश कार्तिक, जो कि शानदार पारी खेल सकते हैं इस टीम के लिए और मुकाबले को बेहतर तरीके से फिनिश कर सकते हैं। वहीं पर नंबर 7 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे डेविड विली, तो नंबर 8 पर हर्षल पटेल उतरेंगे, जबकि नंबर 9 पर वनिंद हसरंगा उतरने वाले हैं, तो नंबर 10 पर आकाशदीप और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। गेंदबाजी इस टीम की काफ़ी शानदार चल रही है, आकाशदीप हो चाहे हसरंगा या फिर मोहम्मद सिराज, तो हर्षल पटेल ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई है अब तक, तो एक बार फिर बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी टीम को। वहीं पर मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें, तो एक बार फिर रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन यहां पर दोनों बल्लेबाजों को शानदार बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। तो वहीं पर नंबर 3 पर टीम की तरफ से डिवॉल्ड ब्रेविस उतरेंगे, जिन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार झलक दिखाई थी, उम्मीद है कि यहां पर पूरी पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। सूर्य का परफॉर्मेंस भी गजब का रहा है, पहले ही मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाया आईपीएल 2022 के, तो यहां पर इनसे एक बार फिर अच्छी उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर 5 पर तिलक वर्मा काफी शानदार फॉर्म में लगे हैं, तो नंबर 6 पर कायरन पोलार्ड उतरेंगे, जबकि नंबर 7 पर डेनियल सेम्स की जगह पर हमें फेबियन एलन खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 8 पर मुर्गन अश्विन दिखेंगे, तो नंबर 9 पर बेसिल थम्पी दिखने वाले हैं। नंबर 10 की हम बात करें, तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं, तो नंबर 11 पर टाइमल मिल्स हमें खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि देखा जाए तो इनकी प्लेइंग 11 भी काफ़ी शानदार नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, हम बात करें प्रेडिक्शन की कि आखिरकार किस टीम का पलड़ा इस मुकाबले में भारी रहेगा। तो दोस्तों, हालिया फॉर्म की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की फॉर्म काफ़ी शानदार है, तो इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का पलड़ा मुंबई इंडियंस के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है इस मुकाबले को, हमें कमेंट करके जरूर बताएँ। धन्यवाद।